नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे टॉप 10 डिपार्टमेंट के बारे में। हरियाणा के टॉप 10 डिपार्टमेंट कौन से रहेंगे? ग्रुप डी की अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको अगर हाई प्रोफाइल डिपार्टमेंट बनने हैं तो इन टॉप 10 डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना चाहिए आपको। और अगर आप चाहते हैं कि नज़दीक में ड्यूटी हो, मैं आसानी से घर से अप डाउन कर सकूँ, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। ऐसे जो 10 डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए जाएंगे जिसमें आप नज़दीक से ड्यूटी ले सकते हो, अच्छी पोस्ट पर ड्यूटी मिल जाएगी और अप डाउन आसानी से कर पाएंगे। तो ये जो 10 के 10 डिपार्टमेंट हैं, हाई प्रोफाइल डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप इनको। सबसे पहला डिपार्टमेंट रहेगा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। तो इसके अंदर आप जो है ग्रुप डी के लिए तो पीएन की पोस्ट पे जा सकते हैं, माड़े की पोस्ट पे जा सकते हैं। उसके बाद बात करें स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, तो इस डिपार्टमेंट के अंदर भी आप जो है पीएन की पोस्ट पे जा सकते हैं, माड़े की पोस्ट पे जा सकते हैं। रेवेन्यू एंड डिजास्टर डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट के अंदर आपको पता है तहसीलों का काम आता है, तो इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है आप पीएन की पोस्ट पे जा सकते हैं, माली की पोस्ट पे जा सकते हैं और साथ में जो है चौकीदार की पोस्ट पे जा सकते हैं। जो ग्रुप डी कर्मचारी हैं अभी जो भर्ती होती है ग्रुप डी की, उसका आपको पता ही है प्रमोशन जो है कॉमन कैडर के बेस पे ही होना है। तो किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, प्रमोशन आपका कॉमन कैडर के बेस पे होना है, क्योंकि सभी के ऊपर एक ही एक्ट लागू होता है, 2018 वाला एक्ट। तो इस कारण से जो प्रमोशन सभी का एक ही कॉमन कैडर के द्वारा होना है, प्रमोशन वाला कोई मैटर नहीं रहता। तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट रहेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट के अंदर भी आप पीएन की पोस्ट पर जा सकते हैं। 10 के 10 जो डिपार्टमेंट हैं हाई प्रोफाइल डिपार्टमेंट रहेंगे। उसके बाद बात कर सकते हैं 5th पे जो आप जा सकते हैं ट्रेजरी एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जिसके अंदर जो है ट्रेजरी के अंदर आप पीएन की पोस्ट पर जा सकते हैं। यह वो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर कर्मचारियों की जो है सैलरी डाली जाती है। उसके बाद 6th नंबर पर बात करें तो सीएस ऑफिस के अंदर आप पीएन की पोस्ट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट रहेगा ये भी, सीएस ऑफिस। उसके बाद बात करते हैं डिपार्टमेंट को छोड़ के बोर्ड की, तो इन दोनों के बोर्डों के अंदर आप अपना जो है चूज कर सकते हैं डिपार्टमेंट की चॉइस में, एचएसएससी बोर्ड और एचबीएससी बोर्ड। एचएसएससी बोर्ड आपको पता ही है जो भर्तियों की पूरी प्रोसेस करवाता है, कंप्लीट भर्तियाँ करवाता है, वो एचएसएससी बोर्ड के अंदर है। और एचबीएससी बोर्ड में आपको पता ही है एजुकेशन का जो मैटर है, बच्चों के एजुकेशन का जो मैटर है, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन जो स्कूलों के ऊपर काम करता है, ये बोर्ड रहेगा भिवानी के अंदर। तो इस बोर्ड के अंदर भी आप पीएन की पोस्ट और माली चौकीदार इन पोस्टों पे जा सकते हैं। इसी तरह एचएसएससी बोर्ड में भी आप इन पोस्टों पे जा सकते हैं। उसके बाद जो 9th नंबर पर जो डिपार्टमेंट आता है वो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। किसी भी शहर के अंदर कोई भी जो मतलब सेक्टर बसाए जाते हैं वो सभी इसी डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, इसी डिपार्टमेंट का कार्य होता है। इसके अंदर भी आप पीएन की पोस्ट पे जा सकते हैं। फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन 10वां डिपार्टमेंट रहेगा। इसके अंदर आपको पता ही है फूड एंड ड्रग्स के जो छापे मारे जाते हैं दुकानों के ऊपर या फिर किसी भी फैक्ट्री के ऊपर, तो इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और इसके अंदर भी आप पीएन की पोस्ट पर जा सकते हैं। इन सभी डिपार्टमेंट के अंदर लगभग सभी आप पीएन की पोस्ट पर ही जा सकते हैं। हाई प्रोफाइल डिपार्टमेंट रहेंगे, ड्यूटी आपकी घर से दूर हो सकती है, लेकिन डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया रहेंगे। प्रमोशन की नहीं कहूँगा क्योंकि प्रमोशन का आपको पता ही है, ग्रुप डी का जो प्रमोशन है वो कॉमन कैडर के बेस पे होना है। कॉमन कैडर कंबाइंड सीनियरिटी जो लिस्ट है उसमें आपका जितने नंबरों के हिसाब से आपका नंबर है उस लिस्ट के बेस पे आपका प्रमोशन होना है। और नेक्स्ट वीडियो रहेगी जो है नेक्स्ट 10 वो डिपार्टमेंट जिनसे आप आसानी से नज़दीक से ड्यूटी ले सकते हो और आपकी जो है ड्यूटी भी बिल्कुल अच्छी रहेगी, पोस्ट जो है अच्छी रहेगी। तो ये जानकारी रहेगी दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी को शेयर जरूर कर लें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों।